सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वे टू सक्सेस पर। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरने में कौन सी गलती करने वाले हो और जिसकी वजह से आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में बात करें कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये तो आप सब जानते ही होंगे कि यूपी पुलिस के ऑनलाइन फॉर्म कल से यानी कि 22 जनवरी से स्टार्ट होंगे और जिसकी लास्ट डेट 22 फरवरी है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं लास्ट डेट तो अभी काफ़ी दूर है तो फॉर्म लास्ट में ही भर लेंगे, या फिर कुछ लोग सोचते हैं फॉर्म लास्ट में भरने से उन्हें रिटर्न एग्जाम में थोड़ा उन्हें डेट थोड़ी आगे मिलेगी या फिजिकल में उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा 20-25 दिन का जितना मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कैसा होता है इस बार वैकेंसी करीब 42,000 के आसपास है। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, क्योंकि करीब 42,000 वैकेंसी है। तो चार पाँच लाख लोग इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे, तो इस वजह से वेबसाइट क्रैश हो सकती है। क्योंकि अगर आप पिछले साल का देखें तो 2016 में SI के लिए फॉर्म भरे गए थे जिसमें वेबसाइट क्रैश हो गई थी, जिसकी लास्ट डेट करीब 15 जून थी लास्ट डेट, और इसकी 7 जून के आसपास वेबसाइट क्रैश हो गई थी। और कुछ लोग सोच रहे थे कि वेबसाइट दोबारा स्टार्ट होगी, अगर स्टार्ट नहीं हुई तो डेट बढ़ा देंगे और वेबसाइट स्टार्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जिसके फॉर्म 7 जून से पहले भरे गए थे बस उन्हीं का ही एडमिट कार्ड आया था रिटर्न के लिए, और बाद में जिनके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे गए थे उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, क्योंकि उनका तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था क्योंकि उसके बाद वेबसाइट स्टार्ट नहीं हुई थी। और ऐसा ही करीब 2013 में हुआ था कि वेबसाइट क्रैश हो गई, दोबारा वेबसाइट रिपेयर नहीं हुई थी और वेबसाइट शुरू नहीं हुई थी। अगर दोस्तों आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप शुरू में ही फॉर्म भर लें, क्योंकि अब कल से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो 2-4 दिन छोड़कर करीब 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 26 तारीख के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप 26 तारीख से पहले पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लें, बाद में बिल्कुल भी लास्ट में फॉर्म भरने की ना सोचें। इस ऐसा भी हो सकता है आप फॉर्म ना भर पाओ। और दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि लास्ट में फॉर्म भर ले तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा 10-15 दिन का, और फिजिकल के लिए भी लास्ट में टाइम मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपका रिटर्न एग्ज़ाम के डेट आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से नहीं दी जाती, आपको जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए डेट या फिजिकल के लिए जो डेट मिलेगी वो आपके कास्ट यानी कि कैटेगरी वाइज मिलेगी, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, OBC ST SC जनरल के हिसाब से आपको मिलेगी, और दूसरा आपके एरिए के हिसाब से आपको डेट दी जाती है, आपके ने सेंटर कौन सा डाला है इसके हिसाब से आपको रिटर्न एग्जाम या फिजिकल के लिए आपको डेट दी जाती है। अगर आप लास्ट में फॉर्म भरना सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल ना करें, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। क्योंकि अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि 22 फरवरी है लास्ट डेट तो 17 फरवरी के आसपास फॉर्म भर देंगे और हमारा नंबर रिटर्न में भी लास्ट में आ जाएगा और फिजिकल में भी लास्ट में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 17 के आस बाद भर लेंगे, क्या पता ऐसा हो जाए कि 17 के बाद वेबसाइट क्रैश हो जाए, ज़्यादा लोड हो जाए वेबसाइट पर और आप फॉर्म ना भर पाओ, ऐसा हो सकता है दोस्तों, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और दोस्तों आप जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये करते हो, कुछ लोग जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके नाम या फादर नेम मदर नेम या उनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ मिस्टेक रह जाती है तो वो क्या करते हैं, तभी एकदम दूसरा रजिस्ट्रेशन करके अपना दूसरा फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जो आप बहुत ही बड़ी गलती करते हो। आप ऐसा ना करके अगले दिन या उसके तीसरे दिन फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों जब आप दूसरा फॉर्म एकदम अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, जब आपका रिटर्न एग्जाम की डेट आएगी तो क्या होगा, तब रिटर्न देने जाओगे, जब वहाँ पे जो भी टीचर होगा आपकी अटेंडेंस लेगा तो आपका वहाँ पे आपका दो नाम मिलेंगे वहाँ पे। अगर आपका नाम राजेश है तो आपका दो बार राजेश राजेश बैक टू बैक मिलेगा, तो वहाँ पे ये गड़बड़ हो सकती है, आपको रेस्टिगेट किया जा सकता है, क्योंकि वो आपका वहाँ सेम फोटो होगा, सेम नाम होगा, बस रोल नंबर का एक, अगर उसका कुछ 221 रोल नंबर है तो आपका 222 या 23 मिलेगा, जिसे पहचान के वो आपको रेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अगले दिन फॉर्म भरोगे तो आप ऐसा हो जाएगा, जब आप अगले दिन के लिए या दूसरे तीसरे दिन फॉर्म भरोगे थोड़ा बीच में टाइम देके, तो आपके बीच में करीब 20 या 30 कैंडिडेट्स आ जाएंगे जिससे आपको पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप ऐसा ना करें, आप तीसरे दिन फॉर्म भरें। और अगर वैसे भी दोस्तों आपके नाम में या कुछ गड़बड़ एक आधा वर्ड गड़बड़ हो जाता है तो आपको फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो इसीलिए ही होता है, अगर आपके नाम में गड़बड़ हो गई तो आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपने ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाकर आपने नाम में करेक्शन करवा सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल ना करें, दूसरा फॉर्म भरने की गलती ना करें। इसलिए दोस्तों आप अपना फॉर्म अभी या 25 या 26 के आसपास ही भर लें, क्योंकि 22 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप 26 तारीख तक अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि उसके बाद वेबसाइट पर बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट बिजी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने वाली है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है फॉर्म भरने में। इसलिए दोस्तों आप अपना फॉर्म पहले ही फिल कर लें। और दोस्तों मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि यूपी पुलिस का सिलेबस क्या है अभी, क्योंकि सिलेबस के बारे में अभी क्लियर नहीं पता चला, क्योंकि नोटिफिकेशन आया था उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया था उसमें भी इन्होंने कुछ क्लियर नहीं दिया, ये भी नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट हिंदी जीके और ये रीजनिंग या मैथमेटिक्स कितने कितने नंबर के आएंगे या कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, और अभी ये भी नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि यूपी पुलिस का सिलेबस क्या होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे या कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, तो और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, दोस्तों अगले वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक यूपी पुलिस की भर्ती चल रही है, जब तक यूपी पुलिस का कंप्लीट प्रोसीजर नहीं हो जाता, तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।